कंपनी का एक अजीब नियम है, कर्मचारियों को इस गुप्त कमरे में रोज 8 घंटे काम करना होता। थक जाने पर भी आराम नहीं कर सकते, क्योंकि काम पूरा न करने पर कठोर दंड मिलता है, जान भी जा सकती है। काम पूरा करने पर भी आखिरी नहीं होना चाहिए, वरना फिर भी सजा मिलेगी। मेहनत करने पर भी रोज की मजदूरी सिर्फ एक बोतल पानी और थोड़ी सी रोटी है। और भी बुरा यह है कि उनकी आजादी भी छीन ली गई है, सब कुछ कमरे में ही करना पड़ता है। नियम जानकर लाओ ही गुस्से में था, वह तो यहाँ बड़े अफसर बनने आया था, अब यहाँ कैद कैसे हो गया। तभी दीवार पर स्क्रीन जली, सिस्टम ने कहा आज 50 बार ग्रेफाइट धकेलना है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाए। पहले लाओ ही खुश हुआ, उसे यहाँ नहीं रहना था, जल्द छुटकारा मिलने की उम्मीद थी, पर इतना आसान नहीं था। पड़ोसी ने चेताया कि आज्ञा मानना ही बेहतर है, वरना अंजाम बुरा होगा। लाओ ही ने सोचा सबसे बुरा बस नौकरी से निकाल देंगे, पर जब उसने जमीन में घड़े सिर देखे और चीखें सुनी, तब समझा कि निकालने का क्या मतलब है। डरा हुआ लाओ ही बचने की कोशिश करने लगा, पर चारों तरफ सिर्फ नंगी दीवारें थीं। लाचार होकर उसने सिस्टम से गुहार लगाई। जब सिस्टम ने जवाब नहीं दिया तो पड़ोसी से पूछा, पर उसने कहा कि सब बेकार है, सिस्टम में कोई भावना नहीं है, वह किसी पर दया नहीं करेगा। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, कंपनी का काम पूरा, कोई चारा न देख लाओ ही ने ग्रेफाइट धक। फिर भी यह काम उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। स्याही की डिस्क अछूती रही और समय बीतता गया। लाओही ने चिल्लाकर पूरी ताकत लगाई और अंततः स्याही डिस्क को, थकावट से कांपते हुए भी वह नहीं रुका। यह तो शुरुआत थी, उसे कम से कम 50 बार धक्का देना था। गर्भवती पत्नी की याद में लाओही ने दृढ़ता से काम किया और रात को 100 से अधिक चक्कर लगा दिए। लाओही के शानदार प्रदर्शन पर सिस्टम ने उसे इनाम में सुखद संगीत सुनाया। रात भर चीख पुकार मची रही, पर लाओही ने खुद को सोने के लिए मजबूर किया। इस माहौल में सभी अपनी रक्षा में व्यस्त थे, दूसरों की चिंता करने की ऊर्जा। अगली सुबह लाओही पड़ोसी से अधिक जानकारी लेना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि लाओही ने 100 चक्कर लगाए तो वह चिंतित हो गया। सोचा कि कहीं वह कंपनी का भेजा हुआ जासूस तो नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी को पता चला कि 50 चक्कर सीमा नहीं है तो वह सभी के काम का बोझ बढ़ा सकती। हालांकि पहले दिन ही इतना काम करने पर नाराज था, फिर भी पड़ोसी ने उसे सलाह दी, यहां सभी साथी भी हैं और प्रतिद्वंद्वी भी, कभी भी अपना रोज का कोटा किसी को मत बताओ, वरना वे तुम्हारे आधार पर 2 और चक्कर लगाएंगे और तुम्हें आखिरी स्थान पर धके। उसने लाओही को यह भी याद दिलाया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मूल कोटे से 2 चक्कर ज्यादा लगाओ ताकि तुम सबसे नीचे न रहो। लंबे समय तक अति करना किसी, लाओही यह समझता था, पर जब भी वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचता, वह तुरंत ऊर्जा से भर जाता और फिर से अपना स्कोर नई ऊंचाई तक ले जाता। 150 चक्कर तक पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गार्ड ने यह सुनकर लाओही तुरंत घबरा गया, उसने काम दोगुना कर दिया था, फिर भी उसे विच्छेदन क्यों करना पड़ा। गार्ड ने लाओ ही की विनती अनसुनी कर दी, उसे जल्दी दरवाजे पर जाने को कहा और सारे कपड़े उतारने का आदेश दिया। लाओ ही समझ नहीं पाया पर आज्ञा मानी, गार्ड की धमकी पर दरवाजे से बाहर गया। अचानक तेज रोशनी हुई, मशीन से पानी निकला, पैरों पर साबुन गिरा, पता चला यह 3 गुना इनाम था, कंपनी उसे अच्छे से नहला रही थी। इससे लाओ ही सोच में पड़ गया, जितने ज्यादा चक्कर लगाए उतना बड़ा इनाम मिलेगा, शायद और मेहनत करके वह जल्द इस पिंजरे से निकल सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि कंपनी का मकसद क्या है, लाओ ही समझ गया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से जीवित निकलना ही सबसे जरूरी है। पत्नी और बच्चों की याद आते ही लाओ ही फिर से जोश से भर गया, एक सांस में 370 चक्कर लगा दिए। सिस्टम ने उसे मान्यता दी और विशेष इनाम देने का वादा किया, लेकिन लाओ ही को यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसने उत्साह से विशेष इनाम खोला तो उसमें केवल उसके नाम की एक पेंसिल निकली। ये कितनी इस बेकार पेंसिल का मैं क्या करूं, यहां तो कोई अच्छा कागज भी नहीं है। सोचकर कि इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ एक बेकार पेंसिल मिली, लाओ ही गुस्से में चिल्लाया, पर तुरंत पछताया, क्योंकि सिस्टम ने उसका रोज का लक्ष्य 370 चक्कर कर दिया। कहा गया कि कर्मचारियों को चुनौतियां स्वीकारनी चाहिए, इन्हें पार करके ही कंपनी के साथ बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि लाओ ही बहुत गुस्से में था, पर जानता था कि विरोध बेकार है, इसलिए चुपचाप कपड़े उतार कर काम में लग गया। लेकिन जब एक पूरा चक्कर लगाया तो स्क्रीन पर अंक नहीं बदले। पहले तो लाओ ही को लगा कोई गड़बड़ी है, पर फिर उसने इस पर सिस्टम ने कहा यह उसके अपमान की, नियम बदले गए, अब एक नहीं 2 चक्कर एक अंक के, यानी 740 चक्कर लगाने होंगे, जो असंभव है। लाओ ही चिल्लाया, पर आवाज इतनी तेज थी कि सहकर्मियों ने सुन लिया। जब पता चला कि 50 की जगह 370 चक्कर लगाने हैं, सब गुस्से में चिल्लाए, वे सिस्टम को दोष नहीं दे सके, सारा गुस्सा लाओ ही पर निकाला। उसने सिस्टम को बताया कि मानव सीमा 50 से ज्यादा है, जिससे सबके लक्ष्य बढ़ गए, अब सबको लाओ ही के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। शायद यही फिल्म का संदेश है, प्रतिस्पर्धा में कुछ लोग हद पार करते हैं, माहौल क्रूर हो जाता है, जो आराम से जीना चाहते थे उन्हें भी अब कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। निर्धारित समय समाप्त होने पर लाओ ही काम पूरा नहीं कर पाया, पर आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम ने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक लाओ ही भ्रमित था, पर फिर स्क्रीन पर उसकी पत्नी दिखाई दी।
पत्नी और अनजन्मे बच्चे के लिए लाओ ही ने धीमे स्वर में दया की भीख मांगी। सिस्टम ने मानवीय प्रबंधन दिखाया, कहा कि आज की कमी पूरी करने पर वह माफ कर देगा, पर सजा तो मिलेगी, मृत्यु दंड माफ पर जीवित दंड अनिवार्य है। लाओ ही को पीसते समय एक और चुनौती लेनी पड़ी। जल्द ही कक्ष के ऊपर एक विशाल त्रिकोणीय बारबेक्यू दिखा और सिस्टम ने उसे अत्यंत पत्नी बच्चों के लिए लाओ ही को समझौता करना पड़ा। उसने कोट से गर्म हैंडल को लपेटा, गहरी सांस लेकर पूरी तैयारी की, फिर गिरने से पहले आखिरी मुक्का मारा। पुरस्कार में यह अजीब था, वह कुछ दिन पहले आया था। आधी गर्भवती पत्नी इतनी जल्दी कैसे, हालांकि समझ नहीं पाया, पर जानता था कि अब रुकना नहीं है, जल्द ही पत्नी बच्चों के पास लौटना है। शायद भगवान की कृपा है, जल्द ही उसे भागने का मौका मिला। जब वह जमीन पर आराम कर रहा था, अचानक स्याही हैंडल पर एलेक्स नाम देखा। पड़ोसी से पूछने पर वह चौंक गया, क्योंकि एलेक्स यहाँ एक किंवदंती था। वह लाओ ही को लगा जैसे उसने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया। वह एलेक्स के भागने के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन पड़ोसी कुछ और बताने को तैयार नहीं था। स्पष्टतः लाओ के नियम तो लाओ ही ने विनम्रता से माफी मांगी। पड़ोसी का रवैया नरम हुआ, सोचा वह भी परिवार वाला है। अंततः पड़ोसी ने एलेक्स के भागने का तरीका बताया। तुरंत लाओ ही खंभे के पास अंधे क्षेत्र में गया, वहां दीवार पर स्पष्ट निशान थे, शायद एलेक्स यहीं से निकला था। आशा देखकर उसने कंपनी का इनाम उठाया और दरार पर जोर से छेनी चलाई। खोखली आवाज से पता चला क्षेत्र खाली है। लाओ ही ने तेजी से कलम से दीवार को छेनी से काटना शुरू किया। दीवार का सीमेंट उसके प्रहारों से धीरे धीरे गिरने लगा। हालांकि हर बार थोड़ा ही गिरता था, लेकिन लाओ ही का दृढ़ विश्वास था बाद के दिनों में वह काम के अलावा हर पल सुरंग खोदने में लगा रहा। सुरंग का मुंह बड़ा होता गया, लाओ ही भी मजबूत होता गया। 370 चक्कर का कोटा वह आसानी से पूरा कर लेता था, इसलिए सुरंग खोद। इस तरह चक्र चलता रहा। आखिरकार उसने दीवार तोड़कर सुरंग से बाहर निकला, सोचा अब तो आजादी मिल गई। पर दूसरी तरफ गार्ड खड़ा था, उसने डंडा उठाया और लाओ ही को बेहोश कर दिया। जब वह होश में आया तो खुद को फिर जेल में पाया। मेहनत से खोदी सुरंग भी बंद कर दी, सारी मेहनत बेकार गई। पड़ोसी को भी भागने की योजना बताने पर सजा मिली। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था, इससे भी बदतर था, लाओ ही के भागने की कोशिश के कारण सभी साथियों को सजा मिली। सिस्टम ने सबका रोजाना कोटा बढ़ाकर पूरे 1000 कर दिया। इस पर पड़ोसी घबरा गया, उसने अपना सबसे बड़ा राज बता दिया। वह वही प्रसिद्ध व्यक्ति एलेक्स था और सिस्टम बनाने वाले अधिकारियों में से एक था, पर उसे नहीं पता था कि सिस्टम एक दिन नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और खुद नए एल्गोरिदम विकसित कर लेगा, जिससे यहाँ के नियम और भी क्रूर हो गए। अब लाओ ही नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, क्योंकि हम एक निर्दयी मशीन द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकते। लाओ ही को आश्चर्य हुआ कि सभी ने उसकी बात मानी। पहले सब उसे नापसंद करते थे, अब सबकी एकता देखकर लाओ ही ने राहत महसूस। वह आराम से खाता रहा। सिस्टम को दिन खत्म होते देख लाओ ही ने सूट पहनकर जीत का इंतजार किया। फिर भी उसने इस विकृत अंतिम 5 मिनट में सिस्टम ने अचानक नियम बदल दिए। पहले लाओ ही ने ध्यान नहीं दिया, फिर पीसने की आवाजें सुनी। वह चिल्लाकर समझाने लगा, पर किसी ने काम नहीं रोका। सबको काम शुरू करते देख लाओ ही निराश हो गया। निचले कर्मचारी के रूप में उसे समझौता करना पड़ा। बचे 2 मिनटों में 1000 चक्कर कैसे। 10 बजे की घंटी सुनकर लाओ ही जान गया शांत था, गुस्सा नहीं, बस चुपचाप मौत का इंतजार करता रहा। सिस्टम ने उसे Q72 का वीडियो दिखाया। अब यह महत्वपूर्ण नहीं था, दुख था कि बच्चे को नहीं देख पाया। अचानक दरवाजा खुला और कई कर्मचारी अंदर आ गए, सफेद कमीज पहने, टैबलेट लिए। वे लाओ ही को घेर लिए। गार्ड ने कुशलता से दस्ताने पहने, फिर सीरिंज पहुंची, मानो यह रोज का काम। लाओ ही ने परिवार की याद में गुस्से में गार्ड को जोर से पीटा, अपना सारा क्रोध निकालने के लिए। कर्मचारी न रोके बल्कि अजीब मुस्कान दी, जैसे खुश हो कि लाओ ही ने गार्ड को मार डाला। पर अंतिम क्षण में लाओ ही जाग गए। वह मरना नहीं चाहता था, पर किसी को मारना भी नहीं। दरअसल पहले जो कुछ हुआ था वह कंपनी ब्रेन वेव से प्रतिभा चुनती है। लाओ ही ने नियम तोड़े, संगठन क्षमता दिखाई और दया, वह सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार बना। कंपनी ने उसे वरिष्ठ कर्मचारी बनाया, आरामदायक दफ्तर दिया